हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। दोस्तों, आ गए हैं हम फिर से अपने काम के साइट पे। तो दोस्तों, मैं आया हूँ इसी जगह पे। देख सकते हैं, हमने ये जो विंडो का पल्ला जहाँ बना रहे थे उसी जगह पे आए हैं। तो चलिए हम आपको एक बार बैक कैमरा करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये सारे लकीरें जो कल कटिंग करके रखा हुआ था आल फेंकने के लिए, तो आज हम इसके सारे आल फेंक कर कम्प्लीट करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा लकड़ी बाकी है, इसको भी हम रंडा मारना पड़ेगा। तो इसको भी रंडा मारेंगे, फिर उसके बाद फिटिंग करने का काम शुरू होगा। तो चलिए, बिना देरी के इसका आल कटिंग करने का काम जो है वो पहले कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये देखिए, ये पीस को पूरी तरह से मारकर कर दिया हूँ कंप्लीट। और इस तरफ देखिए, ये हमने ये छोटा वाला तो पहले से मारकर पूरी तरह से कर लिया हूँ कंप्लीट। देखिए, इसको हमने पहले इसको काट लिया हूँ और फिर उसके बाद में ये वाला भी हमने किया है। और दोस्तों, इस तरफ देखिए, अभी यहाँ पर अभी भी बहुत सारा ये पीस बाकी रह गया है। तो हम चलिए इन सारे पीस को फटाफट से कर देते हैं कम्प्लीट। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने जो है ये सारे आल लगभग हमने आल कटिंग करके जो है पूरी तरह से कर दिया हूँ कंप्लीट। देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमने कटिंग करके रेडी कर लिया हूँ। तो ये छोटे वाला था, हमने सबसे पहले कटिंग किया था, तो इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया, सिर्फ इसी का बनाया। तो देख सकते हैं, हमने ये सारे हो गया है लगभग कटिंग करके। तो अभी हमारा जो है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये हमने पहले राउंड बना के रखा हुआ, तो ये राउंड का डिजाइन जो है वो कटिंग करेंगे। तो चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये कटिंग करने एक पीस हमने यहाँ पर रख लिया है इसको राउंड कटिंग करने के लिए। और हमने ये मशीन भी यहाँ पर ले लिया हूँ। तो दोस्तों, इसे जेक्सो मशीन कहते हैं। तो ये बोस कंपनी का है, देख सकते हैं, बोस कंपनी का जेक्सो मशीन। तो देखिए, कुछ इस तरह से कटिंग होता है इसका। तो चलिए कटिंग करने का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने देखिए कितने आसानी से इसका राउंड कटिंग जो है हमने कर लिया हूँ। तो इस मशीन से जो है दोस्तों, कटिंग करना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी हो जाता है। वरना हमें इसे पहले क्या करता था, ये जो है हमारे ये बटाली कहते हैं, तो इसकी मदद से इसे कटिंग करके इसे राउंड बनाना पड़ता था। लेकिन अभी इस मशीन की मदद से जो है काफ़ी आसानी से और बहुत ही अच्छी तरह से राउंड हो गया है। देख सकते हैं, थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, पूरा अच्छी तरह से हो गया। तो अब चलिए बाकी सारे पीस का फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ये एक पीस जो कटिंग किया था, तो इसी को रख के हमने सारे पीस को जो है दागी लगा लिया हूँ। देख सकते हैं, आप लोग, मैंने दागी रेडी कर चुका हूँ। देखिए, तो और एक पीस हमने यहाँ पर रख भी लिया है। तो अब चलिए फटाफट से कटिंग करने का काम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये देखिए, ये सारे ये वाला हमने सबसे पहले कटिंग किया था राउंड, देख सकते हैं ये वाला। तो इसी का नाप में सारे दाग लगा कर हमने ये सारे राउंड कटिंग करके पूरी तरह से कर दिया हूँ कंप्लीट। तो देख सकते हैं, उसी तरह से हो गया है हमारा राउंड कटिंग करके जो है रेडी। तो
अभी दोस्तों अभी ये वाला बाकी है, इस वाले पीस को भी राउंड कटिंग करने का काम बाकी है। तो आप चले इन ये सारे पीस को भी कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो फिटिंग करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये सारे राउंड कटिंग करके लगभग कर दिया है कंप्लीट। तो अब हमारा विंडो का पल्ला और वेंटिलेटर का पल्ला जो है दोस्तों सिर्फ फिटिंग करने का काम बाकी रह गया है। तो ये वाला तो हमने इस तरफ राउंड करके कटिंग करके रखा हुआ है, और इसके नीचे साइड के लिए हमने वो देखिए वाला कटिंग करके रखा हुआ है पहले से उधर ही। तो और इसके छोटे छोटे साइज विंडो पल्ला के जो बीच में लगाने के लिए हमने छोटे छोटे साइज भी जो है कटिंग करके रखा हुआ है, तो वो भी हमने इधर रखा यहीं पे। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला छोटे वाले, तो ये सारे कटिंग करके रेडी हो चुके हैं। तो अब चलिए बिना देरी के फटाफट से इसका फिटिंग करने का काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने रेडी कर लिया हूँ एक विंडो वाला, हम एक पीस फिटिंग करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो हमने ये चौड़ा साइड वाला हमने ये चार पीस ले लिया हूँ, और ये दो पीस हमने लंबाई के लिए रख लिया। तो चलिए फिटिंग करते फटाफट। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक पीस जो है विंडो का पल्ला फिटिंग कर लिया है कंप्लीट। अब इस पर कील मारने का काम दोस्तों, लकड़ी का कील मारेंगे इस पर, और इसके साइड साइड में सीसा लगाने के लिए उसका रबिट काटना है। तो अब चलिए एक पीस और आपको हम दिखाते हैं, ये वेंटिलेटर का पल्ला जो है ये भी एक पीस हम आपको फिटिंग करके दिखाते हैं। चलिए तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये ले लिया वेंटिलेटर का पल्ला एक सेट। तो चलिए इसको भी फिटिंग करते हैं फटाफट से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा वेंटिलेटर का पल्ला भी जो है वो फाइनली हो चुका है कंप्लीट बनाकर, और विंडो का पल्ला भी रेडी हो चुका है, और हमारा एक विंडो और वेंटिलेटर का पल्ला जो है दोनों हो चुका है रेडी। तो अब चलिए और भी सारे पीस को फटाफट से फिटिंग करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए हमने ये वाला विंडो पल्ला एक यहाँ पर रखा हुआ बनाकर कम्प्लीट करके, और इस तरफ देखिए यहाँ पर भी हमने सारे विंडो का पल्ला जो है बनाकर यहाँ पर रेडी करके रख दिया। तो दोस्तों हमारा टोटल वेंटिलेटर था 12 पीस, तो हमने 12 पीस पूरी तरह से कर दिया हूँ कंप्लीट। और इस तरफ देखिए यहाँ पर हमने विंडो का पल्ला भी जो है हमने 6 पीस जो है कम्प्लीटली फिटिंग कर चुका हूँ, और अब इस तरफ देखिए यहाँ पर और 6 पीस बाकी रह गया है। तो उस 6 पीस के लिए दोस्तों ये वाला जो ये बीच वाला पार्टीशन का बीच जो ये
ये वाला बनाया नहीं था, तो अभी हमने इसको रन्ना मार के यहाँ पर रेडी करके रख लिया है। तो बाकी हमारा ये तो हो गया है कम्प्लीटली। अब इसको लकड़ी का कील जो होता है वो लगाकर लगाने का काम बाकी है, लगाकर फिर फिटिंग करने का काम जो वो बाकी रह गया है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसे लगा है इस विंडो पल्ला का डिज़ाइन और इस वेंटिलेटर का पल्ला का डिज़ाइन कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज भी जो मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर लिया, आप जैसे देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये देखिए हमारे पीछे ये वेंटिलेटर का पल्ला जो है वो मैंने आज टोटली फिटिंग करके कर दिया हूँ कंप्लीट। तो दोस्तों हमारा वेंटिलेटर का पल्ला जो है वो हमने 12 पीस बनाया था, तो 12 पीस हमारा पूरा हो गया है बनाकर रेडी। और यहाँ पर देखिए इस तरह ये हमारा विंडो का पल्ला, तो ये भी हमारा जो है वो 6 पीस बनाकर हमने कंप्लीट किया है। और अभी इस तरह देखिए वो 6 पीस और भी बाकी है करने के लिए, तो वो हम कल ही करेंगे फिटिंग, तो आज हम नहीं करेंगे। तो आज काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और उसके लिए वो जो बीट हमने रखा है वो बीट भी बनाया नहीं था, तो वो बीट बनाया है। तो वो बीट जो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाला बीट जो है हमने वो बनाया था, तो अभी वो हमने सिर्फ रन्ना मार के रखा, उसको रेडी नहीं किया है। तो दोस्तों आप लोगों को वेंटिलेटर और विंडो का पल्ला डिज़ाइन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना। और दोस्तों चैनल में नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।